झारखंड राज्य के गुमला में गांव की समस्या और मेडिकल सुविधा की खबर प्रमुखता से चलाई गई थी, जिसके आलोक में निजी संस्थान के मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ ने गांव का दौरा किया है। गांव के लोगों से मिलकर हालचाल पूछा और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दिया और सभी का उपचार कर स्वस्थ रहने की टिप्स को भी ग्रामीणों के बीच साझा किया है, जिससे इलाके में ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया और अब गाँव में सुविधा आने से ग्रामीण खुश है। आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के 72 साल बीतने के बाद भी सरकार और प्रशासन की उदासीनता का शिकार बनी यह गांव खून की आंसू रोने को मजबूर है। ग्रामीणों ने सरकार और अधिकारी से गांव में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की गुहार भी लगाई है, लेकिन फरियादी की फरियाद नेता हो या अधिकारी किसी ने नहीं सुनी, जिससे लोग विवश होकर अपनी हालत पर रोने को मजबूर हैं। अधिकारी हो या क्षेत्रीय नेता, आखिर ग्रामीण बेचारे ही नजर आते हैं। डॉक्टर जी आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी दांत की बीमारी और आँख सब की बीमारी की जांच हो रही है, सभी का बहुत अच्छा से जांच किया जा रहा है। यहाँ आए इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कभी नहीं आए थे? कभी यहाँ नहीं आए थे, कोई भी डॉक्टर या कोई भी रास्ते वाले भी नहीं आए थे अधिकारी। यहाँ पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए हमें खुशी हो रही है। एक बोलो। हाँ, यहाँ बहुत साल हो जा रहे हैं, कभी नहीं आए थे बट आज आए हैं। कितना साल हो गया? लगभग लगभग 60-70 साल हो ही जा रहे हैं यहाँ घर बनाए हैं। तो अब आ है, बहुत बढ़िया से इलाज हो रहा है दांत का, और दांत का इलाज हो रहा है सबको, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत दिन के बाद यहाँ पर ये सब हो रहा है, अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहिए। और हम कट करके आए हैं नदी पार करके, यहाँ 3-4 गो नदी का पानी भी आता है, कष्ट तो होता है और कष्ट से आए हैं, और अभी हम लोग का भलाई के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं, इसीलिए हम लोग तो सभी को खुशी लग रहा है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, संभव को असंभव को संभव होने जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग बेबस और लाचारी में जी रहे ग्रामीण की पुकार सुनकर मुंह एवं दांत के रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश कुमार ने मानवता का परिचय दिया है। जिला मुख्यालय से लगभग 7-10 किलोमीटर कठिन रास्ता की दूरी कर घटगांव पंचायत के राजस्व ग्राम जोड़ारार गांव में देवनगर टोला स्थित आदिवासी शिक्षा दीक्षा संस्थान द्वारा संचालित आश्रम पहुंचे, जहां छात्र छात्रा और गांव के लगभग 150 लोग से मिलकर स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दिए और साथ ही कैंप के दौरान मुफ्त में भी इलाज किया, जिससे पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखा गया है। यहाँ के लोग यही लगा कि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, और दूसरा चीज है कि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में कैंप हो, लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, और स्वास्थ्य के प्रति लोग का यहाँ भी जागरूकता है। चूँकि हमको देख के लगा कि जैसे हम लोग आए तो उन लोग काफ़ी खुश भी हुए। पहले जो न्यूज़ चला था उसमें देख करके हमको लगा था कि लोग यहाँ पे कभी यहाँ पे कोई नहीं आए, और आज़ादी के बाद भी एक कैंप भी नहीं हुआ, तो इसको देख करके हमको लगा कि कैंप करना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, यहाँ का क्या तकलीफ़ है। और जैसे हम लोग आए नदी पार करके, और जो मेरे साइड से हुआ उसमें लोग का बहुत ज़्यादा लोग दांत से ग्रसित थे, कोई बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, तो उनको फ्री में इलाज किया गया, दवा दिया गया फ्री में। उसके बाद जिन लोगों का उपचार यहाँ नहीं हो सकता उनके लिए भी बोला गया कि आप वहाँ आकर के इलाज करवा सकते हैं। और यहाँ के बच्चों के लिए क्लिनिक में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने का हम बोले हैं यहाँ पे, कि आप क्लिनिक में भी आकर के आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। बाकी एक मेडिकल सुविधा और आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया है, तो ये सबसे दुखद बात है, और इसी को देखते हुए हमको लगा कि यहाँ पे एक बार आना चाहिए। क्या तकलीफ़ है, क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर के हम लोग
यहाँ आए हुए हैं। हम ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीणों ने मीडिया को बताया है कि गांव की समस्या की खबर चलने के बाद इस गांव में पहली बार डॉक्टर पहुंचे हैं, हमारे दुख दर्द को समझे हैं, काफी कठिन रास्ता तय कर लाचारी में जी रहे हम लोगों की दुख तकलीफ को सुने और मुफ्त में इलाज भी किए हैं। इस गांव में 72 साल बीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर आने के बाद अब हमारा गाँव विकास करेगा और जो गाँव की मुख्य मांग थी सड़क पानी बिजली मेडिकल व अन्य सुविधा की लगातार सरकार से प्रशासन से मांग किया है अब पूरा होने की बात कही है। वहीं पूरा गांव स्वस्थ शिविर लगने से ग्रामीणों के बीच खुशी का माहौल है। हमारा कम से कम 65 साल हो गया है, हम होश भी नहीं संभाले थे तब से ये 72 साल हो गया। आज तक ऐसा कोई सरकार तरफ से या प्रशासन द्वारा से ऐसा कोई सुविधा नहीं मिला था। आज देखिए यहाँ एक चिकित्सा शिविर लगाए हैं, एक डॉक्टर साहब निशुल्क देख रहे हैं, निशुल्क दवा अपने तरफ से दे रहे हैं, हम लोग इसके लिए बहुत खुशी हैं। हमारे यहाँ भीड़ लगी हुई है, ऐसा कभी भी नहीं देखे थे, इतना दिन हो गया है। यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे यहाँ पहुँच गए। नदी पार करना पड़ता है, नदी में पुल नहीं है, हम लोग यहाँ किसी का आसरा नहीं कर पाते हैं कि यहाँ कोई यहाँ पहुँच जाए। देखिए इतना ये डॉक्टर साहब अपनी तरफ से इतना मददगार, इतना अच्छे इंसान हैं जो कि कुछ दूर पैदल आके और यहाँ शिविर लगाए हैं और निःशुल्क दवा दे रहे हैं, निःशुल्क चेक करके रोगियों को देख रहे हैं। यहाँ भीड़ लगी हुई है, हमारे गांव के, हमारे घर के, अगल बगल के सारे इतना खुश हैं कि इकट्ठा हुए हैं कि कोई आज कोई साहब आए हैं और हम लोग को देख रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ये सरकारी संस्था होगा, डॉक्टर लोग होगा तो वो लोग आ सकते हैं कि भेंट कर सकते हैं या ऐसा करते हैं। हम लोग तो यहाँ जाने के लिए ये बीमारी को बीमारी जो हो जाते हैं उनको भी ले जाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, सोचना पड़ता है। हाँ, सोचना पड़ता है, लेकिन आज ऐसा देखने को मिला। एक 72 साल मेरा होश मैंने नहीं था उस समय से, हम ऐसा कभी भी हम नहीं देखे थे कि कोई ऐसा आज इंसान आए हैं और कैंप लगाए हैं और निःशुल्क। 72 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा हमको देखने में नहीं मिला है। इतना अच्छा इंसान है, उनको भगवान क्या हम लोग दुआ देंगे तो भगवान भी सुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मदन लोहरा नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग के डॉक्टर साहब बहुत दूर से आए हैं, जहाँ यहाँ रास्ता भी नहीं है पर भी नदी नाला पार करके आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक आने का कोई हिम्मत नहीं करता है पर ये हमारे डॉक्टर साहब आ गए, हम लोग बहुत खुशी हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अभी क्या कहना चाह रहे हैं? हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, ऐसा हमेशा चलते रहेगा तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इधर सामाजिक संगठन मिशन बदलाव की टीम गांव पहुंची है और ग्रामीणों से बातचीत कर गांव के मूलभूत सुविधा की जानकारी ली और शासन और प्रशासन की उदासीनता को लेकर घोर निंदा किया, साथ ही विकास की दिशा में सरकार और प्रशासन से मांग की है। वहीं गांव में मुंह एवं दांत चिकित्सा के एक दिवसीय शिविर की आयोजना में मिशन बदलाव की टीम को निष्पक्ष योगदान की सराहना की है, साथ ही सरकार से जल्द मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। 7 से 10 किलोमीटर के अंदर में है और यहाँ मूलभूत देखा जाए कि कोई चीज़ का ढंग से सुविधा नहीं है, पुल भी नहीं है, फिर रोड भी नहीं है और यहाँ लोग बहुत मतलब बहुत परेशानी बढ़ता है, लोग बीमार में खाट पाट में उठा के ले जाते हैं। मतलब सरकारी सुविधा देखा जाए तो एक भी नहीं मिला है यहाँ पर। और एक दिवसीय कैंप लगा है जिसमें दांत और मुंह रोग के लिए विशेष रूप, जिसमें काफ़ी भीड़ भी है और काफ़ी लोग दिखवा भी रहे हैं और यहाँ निःशुल्क सब दवा और जांच भी किया जा रहा है। आप इसको यही कहना चाहेंगे कि यह कैंप मतलब सराहनीय है, जो डॉक्टर साहब आए हैं बहुत अच्छे इंसान हैं जो कि अपने अपने बलबूते से किसी का ना सहयोग से अपना पैसा खर्च करके निःशुल्क यहाँ सबको वितरण कर रहे हैं दवा और निःशुल्क देख रहे हैं और इसके चलते सब यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं और हमको भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मतलब डॉक्टर सुविधा या जांच सुविधा मिल रहा है लोगों को। शासन और प्रशासन यहाँ या सरकार यहाँ जो नहीं कर पाया है वो हो जा रहा है यहाँ पर।
सौभाग्य की बात है, ये हमारे साथ पहली बार ऐसा हमारे गांव में कैंप लगा हुआ है। और डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर अविनाश कुमार जी जो गुमला में रहते हैं और वे प्राइवेट डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए। ये मुख और दांत से संबंधित डॉक्टर हैं और सभी का फ्री में इलाज कर रहे हैं और दवा भी देते जा रहे हैं। आज तक यहाँ पर किसी ने भी नहीं पहुँचा है, शासन प्रशासन की ओर से भी कभी भी कोई पहल नहीं हुआ है और यहाँ आने का भी रास्ता बहुत कठिन है, जर्जर है। और वही पगडंडी से होते हुए डॉक्टर साहब आए हैं, उन्हें खुद एहसास हुआ है मुश्किलों का आने में जो होती है दिक्कतें। हाँ, नदी में भी पुल नहीं है, नदी में हमेशा पानी रहता है और इसमें दिक्कत होता है साइकिल मोटरसाइकिल या पैदल वालों को भी, सभी को दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने आया है और अपना सेवा दे रहे हैं, इसको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे ग्रामवासियों की ओर से। सरकारी तंत्र व्यवस्था से जुड़ेंगे क्योंकि हमारे ग्रामीणों का जो आशा और उम्मीद है वो पूरी तरह से टूट चुका था, मनोबल टूट चुका था। और इनके आने आगमन से आज लोगों में जागृति उत्पन्न हुई है, उन्हें सजग होने का और आगे बढ़ने के लिए ग्रामीणवासी धन्यवाद देना चाहेंगे। इस कड़ी में आश्रम के संस्थापक ने शासन और सुशासन पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, लेकिन कागज पर पूर्ण होता है, जमीनी हकीकत कुछ और है, परियोजना नहीं होने की बात कही है। यह गांव जिला मुख्यालय से सटा है, लेकिन भी इस गांव की दुर्दशा खराब है। कई बार लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन आवेदन पर अमल किसी ने नहीं किया। शासन हो या प्रशासन, सरकार भेजती है प्रशासन को, लेकिन अब अपना विकास मर जुट हुए है। वहीं निजी संस्थान से पहुंचे डॉक्टर अविनाश कुमार से सरकार और प्रशासन को सीख लेने की जरूरत है, जिन्होंने मानवता का मान बढ़ाने का काम किया है। जो डॉक्टर साहब आज यहां पर शिविर लगाए हैं, मैं उनको सभी ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत मैंने धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार की और प्रशासन की ओर से योजनाएं परियोजनाएं की बात की जाती है और हर घर तक मैंने मूलभूत आवश्यकता की पहुंचाया जाने की जो सरकार दावा ठोकती है, मुझे लगता है कि आज़ादी के 72 साल गुजर जाने के बाद भी आहर लोग नहीं जाएंगे, लोग किसके पास जाएं? सरकार के लिए, आम पब्लिक के लिए सरकार बना है, आम पब्लिक के लिए प्रशासन है, और प्रशासन ही बात ना सुने तो जनता किसके पास जाए? आज भी इस प्रकार से दूषित हो चुका है, आज लोग मजबूरन से चुआ खोद के पानी पीने के लिए मजबूर है। शासन प्रशासन को इसके संबंध में कई एक मरतब इत्तला किया गया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। और यहाँ पर आने जाने का बहुत ही जर्जर स्थिति है, रोड का बने है ही नहीं है, लोग पगडगा है, स्वास्थ्य कैंप लगा है डॉक्टर की ओर से, दंत और मुँह का स्पेशल लगाया गया है निःशुल्क, और वो भी आज अपने दम पर उन्होंने आज नदी नाला पार करते हुए और पगडंडी से चलते हुए आके इस दुर्गम स्थान पर बने कैंप लगाए हैं। आज ये बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। अगर मानवता के नाता अगर इस प्रकार से हर मैंने लोग सोचे, तो जब तक लोग नहीं बदलेंगे, लोगों का विचार नहीं बदलेगा, तब तक समाज में नवा बिहान नहीं होगा। न्यूज़ चला तो लोगों ने देखा और इसी न्यूज़ के आधार पर डॉक्टर साहब ने यहाँ के दुख और दर्द को समझने के लिए आए और उन्होंने अपने तरफ से जो बन पड़ा उन्होंने अपना यथासंभव प्रयास किए। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को सभी ग्रामीणों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी हमारे। बहरहाल जो भी हो, सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण गांव के ग्रामीण खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। शासन और सुशासन को चाहिए कि गांव की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करें, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब गांव के ग्रामीण गोल बंद होकर सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी, नहीं तो आने वाला समय सरकार को सबक सिखा सकती है। इसी के साथ गुमला से P3 न्यूज़ झारखंड के लिए अजीत सोनी।